हर किसी का सपना होता है कि मेरे पौधे एक छत्रक का रूप लें, यानी उनकी कैनोपी बहुत अच्छी बने। किसान साथियों, उसके लिए आपको कुछ कार्य करने होंगे। छत्रक बनाने के लिए आपको कई बार कटिंग करनी पड़ती है। पहली कटिंग कब करनी है, दूसरी कटिंग कब करनी है, तीसरी कटिंग कब करनी है और अंतिम कटिंग कब करनी है, उस समय आपका पौधा कितने वर्ष का होना चाहिए। किसान साथियों, मुझे बहुत किसान भाई लिखते हैं जो मेरे चैनल पर बहुत बाद में आते हैं और कहते हैं, त्यागी जी, मैंने आज तक अपने पौधे की कटिंग नहीं की और मैं अब कटिंग कर दूंगा। मुझे बड़ी हंसी आती है, मुझे ये नहीं पता उनका पौधा कितने साल का है, मुझे ये नहीं पता उन्होंने कब लगाया था और मुझे ये नहीं पता कि वो फसल कब लेना चाहते हैं। किसान साथियों, इन कटिंग पर मैंने कई वीडियो बनाई, लगभग 6 वीडियो, लेकिन उन किसान भाइयों को ये नहीं पता चलता कि अच्छे छत्रक के निर्माण के लिए वो कौन सी वीडियो हैं और मेरा पौधा जब कितने महीने का होगा तब मुझे कौन सी वीडियो देखनी चाहिए। किसान साथियों, आप सबका हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान के यूट्यूब चैनल में। मैं हूं डॉक्टर अनिल कुमार और आज मैं बात कर रहा हूं पौधों के छत्रक निर्माण। आप इस पौधे को देखिए और मेरे बाग में नज़र दौड़ाइए, हर पौधे को आपको कैनोपी का रूप नज़र आए। आप ये पौधा देखिए, ये अभी मैंने नवंबर में लगाया और इस पौधे की मैंने कटिंग कर दी है और कब कटिंग की है इस पर मेरी सभी वीडियो। किसान साथियों, इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखकर मैंने एक लेख लिखा है, उस लेख का लिंक आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिए और फिर आप वेबसाइट पर जाइए और वेबसाइट पर अमरूद की बागवानी में आपको ये लेख मिलेगा। ये लेख लगभग 1.5 पेज, इसमें मैंने ये बताया है कि पहली कटिंग आपको पौधारोपण के कितने दिनों बाद करनी है, उस समय आपको कौन सी वीडियो देखनी है, दूसरी कटिंग जब उसकी छटाई करते हैं कितने महीने बाद करते हैं उसके लिए आपको कौन सी वीडियो देखनी है, तीसरी कटिंग कब करते हैं, पत्ते गिराते हैं या नहीं गिराते हैं वो कौन सी वीडियो है, मैंने ये बताया। इस प्रकार अगर आप इस लेख को डाउनलोड कर और प्रिंट कर अपने पास रख लेंगे तो आपको कभी भी ये आवश्यकता नहीं पड़ेगी किसी से पूछने में कि मुझे अब अपने पौधे की किस प्रकार कटिंग करनी चाहिए। अर्थात अगर आपका पौधा 6 माह का हो चुका है और आपने पहली कटिंग कर चुके हैं तो दूसरी कटिंग के लिए कौन सी वीडियो, और फिर देखते रहिए कि आपका पौधा कैसा हो जाएगा। आइए मैं आपको कुछ पौधे दिखाता। किसान साथियों, ये मेरा ललित का पौधा है और इस पर देखें कितने अच्छे छत्रक का निर्माण मैंने किया है, और अगर आप इस पर देखोगे तो कितनी मात्रा में इस पर कल्ले आएगी। कुछ लोग जब मैं इसकी कटिंग करता हूँ तो मुझे कहते हैं कि ये आदमी पागल हो गया, बिल्कुल इस पर मेरे कार्यकर्ता भी ये कहने लगते हैं कि जी अब की बार तो इस पर कोई कल्ले नहीं निकले। अब आप इस पर कल्ले देखिए और इस पर जो फूल आएंगे वो भी देखिए। यही वो पेड़ हैं जिस पर मैंने आपको बताया था कि थिनिंग क्या होती है। कटिंग के बाद इतनी मात्रा में इस पर कल्ले आए थे कि मैंने उनमें से 25-30% कल्ले हटाए थे, और आप देखिए कितना साफ़ सुथरा, हर जगह धूप है, हर जगह हवा है और कितना अच्छा पौधा चल रहा है। किसान साथियों, आप भी अपने पौधों की कटिंग करिए और पहले 1.5 वर्ष में करिए। इसमें मुख्यतः आपको 2 बातों का ध्यान रखना। पहली बात, आपको ये ध्यान रखना है पहले 1.5 वर्ष में कि आपको छत्रक बनाना है, लेकिन उसमें दूसरी बात बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत मुख्य है कि आपके पौधों की दूरी कितनी है। अगर आपके पौधों की दूरी सामान्य है, 15 फीट है या 20 फीट है या 18 फीट है, तो आपको कटिंग ज़्यादा गहरी नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अगर वो हाई डेंसिटी में है या सेमी डेंसिटी में है, यानी 10x10 फीट पर है या 12x12 फीट पर है, तो उनकी थोड़ी कटिंग दूसरे प्रकार से होगी। ये देखिए, ये मेरी दूरी इसमें 8 फीट है, तो इसको मुझे इतना नहीं बढ़ने देना है
आप बरसात में देखेंगे कि ये लगभग मिल जाएंगे और मुझे फिर यहाँ पर ले जाए। ये पौधे एक्चुअली मिले हुए थे दोनों। अब देखिए मैंने कितनी डिस्टेंस बना दी थी, जब यहाँ से कटिंग करी थी कितनी डिस्टेंस बनाई थी। और इस पौधे से मैं अब की बार आपको दिखाऊंगा कि बरसात की फसल ले रहा हूँ और मैं लूँगा इससे सर्दियों की फसल। सर्दियों की फसल के लिए मैं इसमें किस प्रकार कटिंग करूँगा आपकी देख। ये पौधा है, इसमें देखिए मैंने ये सब कलियाँ तुड़वा दी, इसमें मैं सर्दियों की फसल लूँगा और मैं दिखाऊंगा आपको कि इसकी कटिंग किस प्रकार होगी। ये जून में 2 साल का पौधा हो जाएगा, लेकिन मैंने इसे कैनोपी का रूप दिया है और इसका जो ये तना है ये मजबूत बनाने की कोशिश की है। किसान साथियों, वीडियो मैंने सभी बनाई हुई है, हर समय की कटिंग पर बनाई हुई है। किस समय कौन सी वीडियो देखकर आपको कटिंग करनी है ये लेख में बता दिया है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे उम्मीद है आपको ये लेख पसंद आएगा, ये वीडियो भी पसंद आएगी और आप अपने विचार कमेंट्स में अवश्य लीजिए। इसी के साथ विदा लेता हूँ, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।